हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे जो अंडे हमने स्टार्टिंग में इनक्यूबेटर में रखे थे उसको आज पूरे 18 दिन हो गए। तो 18 दिन के बाद अब मैं उनको इनक्यूबेटर में से उठाकर, मतलब रोलिंग ट्रे में से उठा के ऊपर ट्रे में रखने वाला हूँ। तो मैं उस इनक्यूबेटर के अंदर एक छोटा सा ट्रे बना रहा हूँ ऊपर साइड, जिसमें 18 दिन के ऊपर के अंडे, जैसे 19, 20, 21, 3 दिन बाकी है निकलने के लिए। तो मैं उनको उठा के ऊपर रख दूंगा ताकि वो रोल ना हो रोलर के अंदर, क्योंकि रोल में कभी भी वो निकल सकते हैं और उसके अंदर फंस सकते हैं। तो मैं इनक्यूबेटर के अंदर ही एक ट्रे लगा रहा हूँ और वो ट्रे के अंदर अब वो मैं 6 अंडे मेरे निकाल के ट्रे के अंदर डाल दूंगा ताकि जब भी वो निकले तो सेफ रहे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ट्रे कैसा लगा रहा हूँ। तो आइए, ये देखिए, ये हमारा है इनक्यूबेटर, ठीक है, और ये ट्रे है जो इसके अंदर मैं फिट करने वाला हूँ। देखिए कैसा फिट करते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ इनक्यूबेटर है, उसके अंदर मैं अभी ये ट्रे फिक्स करने जा रहा हूँ। ये दो लोहे की रॉड है जो मैं इसमें लगाने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं ट्रे रखूँगा। तो ये मेरे 16 एग्स है, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ। इसमें एक बड़ा एग है जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसमें से बच्चा निकलता है या नहीं निकलता है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं निकलता, पर हमने ट्राई के लिए डाला है उसको, उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगा। अभी ये रॉड देखिए, मैं ऐसा लगा रहा हूँ और इसके बाजू में दूसरी रॉड लगाऊंगा और इसके ऊपर ये ऐसा ट्रे फिक्स करूँगा ताकि इसके अंदर मैं वो निकलने वाले बच्चे वाले अंडे रख सकूँ। 6 है मेरे अंडे, हो उस पर मैं रखूँगा यहाँ पे। तो ये देखिए, अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से इसको थोड़ा कट करके मैं इसको रॉड को अंदर डालता हूँ थोड़ा। अब ये रॉड डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हैवी थर्मोकॉल है तो ये जल्दी अंदर जाता नहीं है, उसको कट मार के अंदर डालना पड़ता है। ये देखिए गया, ये निकल गया, पार हो गया मेरा रॉड। अब ये मैंने डाला इसको, अब इसका वो लेवल मेज़रमेंट है मेरे पास में एक, जिससे मैं ये चेक करूँगा कि ये रॉड सीधा जाए। अगर टेढ़ा गया तो टेढ़ा ट्रे लगेगा और टेढ़ा ट्रे लगने की वजह से अंडे मेरे इधर उधर गिरते रहेंगे। तो ये लेवल मेज़रमेंट से मैंने उसका लेवल चेक कर लिया कि ये सीधा है या नहीं। तो ये यहाँ तक सीधा है। अब इसको मैं आगे पास करके वो साइड से बाहर निकाल लेता हूँ और इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा इधर साइड से फिक्स, अंदर चला गया। हाँ जी, जब तक के जो भी हमारे बंदे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको और मिलती रहे। ये इन्फॉर्मेशंस बहुत कम लोग बताते हैं, हमने आपको क्लियरली बता दिया। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये एक रॉड लग चुकी है मेरी, ये ट्रे ऐसा आएगा। अब दूसरा रॉड उधर साइड से आएगा, तो दूसरा रॉड देखिए मैं भी उधर साइड से लगाता हूँ ताकि दोनों के ऊपर मेरा ट्रे सेटल हो जाए और बच्चे रोल ना हो, उसी के अंदर ट्रे के अंदर ही रहे। ये निकाल लिया हूँ ट्रे मैंने, ये साइज़ ले लिया मैंने दूसरे रॉड की, कितने डिस्टेंस पे मुझे लगाना है उतने डिस्टेंस पे मैंने कट मार्क कर देता हूँ। ये ब्लेड है मेरे पास, क्योंकि ये ज़रा हैवी मटेरियल का बॉक्स है तो रॉड डायरेक्ट आर पार नहीं हो रही है, तो मैंने ये कट मारा। अब ये कट के अंदर से मैं हमारी ये लोहे की रॉड इंसर्ट करूँगा, डालूँगा और इसको आर पार निकालूँगा। ये देखिए आर पार निकल चुकी। अब वापस से मेरे पास में लेवल मेज़रमेंट है, उससे मैं उसका ऊंच नीच देखूँगा, कहीं स्लोप तो नहीं आ रहा। ये लेवल मेज़रमेंट है मेरा, जो बीच का ये बबल है ये सेंटर में आना चाहिए, इसका मतलब कि मेरा लाइन जो रॉड है वो सीधी रहेंगी, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएंगी। ये बबल मेरा सेंटर में आ गया, ये मैंने मार्किंग कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं इसको आर पार कर दूँगा। ये ट्रे देखिए, ये मेरा ट्रे इसके ऊपर बिल्कुल सेटल हो गया। अब इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, अब इसमें मैं 6 अंडे मेरे रख सकता हूँ और बेफिक्री से उसमें से बच्चे 3 दिन के बाद निकलेंगे। ट्रे अंदर लगाने का एक ही मकसद है कि मेरा इस इनक्यूबेटर के अंदर मैं ट्रे रखता हूँ तो मेरा जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो परफेक्ट रहेंगी। अभी अंडा है 11 अक्टूबर का, ये मैं ट्रे में रखता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखना है हमें, हमें कपड़ा रखना है, उसके बाद ही अंडा रखना है। तो वो कपड़ा आप अच्छा साफ़ क्लीन कपड़ा लीजिए, ये देखिए एकदम क्लीन कपड़ा है, इसको रखिए अच्छे से एडजस्ट कीजिए और ये कपड़ा क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है। आप एक बार कपड़े को धूप दिखा दीजिए, उसके बाद कपड़ा इसमें रखिए ताकि बच्चा भी बीमार ना हो। अब मेरे जितने भी 6 अंडे हैं 11 अक्टूबर के, वो मैं इसमें रख देता हूँ एक एक करके।
ये देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा अंडा है। धीरे धीरे रखना है आपको, ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि अंदर बच्चे बन रहे हैं। ज़्यादा अगर आपने हिलाया तो बच्चे की नस कोई ना कोई ब्रेक हो जाएंगी और वो मर जाएगा। ये हो गए मेरे 4, 5 और ये लास्ट है 6। ये 6 का लॉट मैंने सबसे पहले रखा था, उसके बाद 12 तारीख के है, 15 के है, 19 के है। तो ये 6 अंडे मैंने रख दिया। और इस तरीके से आपको भी आपके अंडे क्लीन तरीके से रखना है। और इस ट्रे को अगर आपको चाहिए तो आप बांध भी सकते हो इंक्यूबेटर के साथ, ताकि बच्चा निकलने के बाद इधर उधर ना गिरे। तो ये मेरा इंक्यूबेटर के अंदर अब मेरा फिक्स हो गया। अब इससे क्या रहेगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेंगी, बस वो हिलेंगे तो नहीं। हमने रख दिया हमारे सारे 6 अंडे जो 11 तारीख को हमने रखा था, 11 अक्टूबर को, आज 28 अक्टूबर है, तो हमने सारे जो 6 अंडे थे हमारे ऊपर की ट्रे में रख दिए हैं। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह इसमें बच्चे निकलेंगे और वो बच्चे हमारे सेफ रहेंगे। जो अंदर रोलिंग ट्रे है, जो हमारा ये रोलिंग ट्रे है, ये जो ट्रे रोल होता है, इससे अब वो बच्चे दबेंगे नहीं, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। तो इसी तरह आपको भी करना है, अगर आपने इंक्यूबेटर लिया है तो आप इस टाइप में काम कर सकते हो। और हम लोग इंक्यूबेटर बना के देते भी है, ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, जिसके अंदर आप कम से कम 80 eggs जो आते हैं आपके रख सकते हो। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं, सिर्फ 5,000 का इंक्यूबेटर है। अगर आप यही इंक्यूबेटर ऑनलाइन खरीदने जाओ तो आपको ये 7,000-8,000 का मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, तो वो 9,000-1,000 के आसपास में पड़ जाता है। पर ये मैंने खुद ने घर में बनाया हूँ। इसके पहले का एक लॉट मैंने निकाला था 38 eggs का, और अब ये दूसरा लॉट रखा हूँ मैंने 17 eggs का। तो ये ऐसा हम लोग ने पूरा डिज़ाइन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या इंक्यूबेटर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ये आपके घर तक के पार्सल करके पहुँचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।